मैं तो पूरी इंडस्ट्री को देना चाहूंगा बिकॉज दे आर वेलकमिंग मी. सबको जादू की छपी देना चाहूंगा. स्पेशल क्या है यार, सब स्पेशल है यार. कुमार जी. Hi Jacqueline, this is Mayur from Times Now. Look, Japit's Munna bhai comes to your mind. Obviously with Munna bhai not around, so has Jackie taken over the Jadoo Ki Jhappi baton from Munna bhai? I can't believe you asked that. I don't think we could ever take that title away from him. I think, you know, he's the original person and the first person to say it. So I think we're just hopefully we'd become as popular as he did with that phrase. Thank you. What's my second? It's not my third. Actually, I don't think so. I think it's my second. Yeah, and I think. I don't think I can become an item queen with just two item songs. I probably have to do a few more. Kumarji. क्या होता है कि क्या हुआ था? Actually, I was not meant to do that portion in the film. सेट पे सीधा सडनली बोल दिया सर ने कि चलो तू भी चालू हो जा. तो मैं एक तो घबरा गया यार, ये सडनली मुझे बोल रहे हैं. लेकिन आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो बट ये फिल्म शुरू हुई इसके पहले मेरे को सर ने 8 महीना ट्रेनिंग दिलवाई थी डांस के लिए. तो आई वॉज क्वाइट वेल प्रिपेयर्ड. एंड जब उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हें ये करना है ये शॉट, तो उन्होंने मैंने बोला सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई डू इट बट आई जस्ट नीड सम टाइम टू रिहर्स. और कन्वीनियंटली वो डे खत्म हो चुका था, तो उन्होंने बोला हम कल ले लेंगे शॉट. तो रात भर मैं लगा रहा रिहर्सल में और टच आउट हो गया जल्दी. बट सर इज वेरी गुड एंड वेरी पेशेंट, वेरी calm environment on set, so it was never too much of a difficulty. Girish Lipika. Yes. आप सिर्फ इसके लिए नहीं घबराए थे, जैसे कि मेरे सूत्रों के अनुसार आप किस करने के लिए भी घबराए थे. याद है मेरे को प्रभु जी ने बताया था कि तो रानी जी ने बोला किस 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 3 बार तब किए थे. हाँ. तो tell me about that. Then you had to go in the corner and then rehearse. ऐसा कुछ नहीं है यार. अरे मैं आप भी बैठे थे जब प्रभु जी ने बताया था मुझे. या आप सपना तो नहीं देख रहे थे ना? मैं कभी कभी लोगों के सपने में आ जाता हूँ, पता नहीं यू नो. एनीवे बट नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप देख लेना फिल्म, आपको सब पता चलेगा. कुछ तो सस्पेंस रखो ना यार फिल्म के लिए. अच्छा कुमार जी, और क्योंकि ये आपके बेटे थे तो आपने बहुत दिल खोल के पैसा खर्च किया. इस बारे में क्या कहना है? मुझे प्रभु जी ने बताया. मुझे लगता है सब आपको प्रभु जी इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. मेरे को तो कुछ नहीं बोलते हैं, मेरे से तो बहुत कम बात करते हैं. आपसे पता नहीं, मुझे भी नेक्स्ट टाइम कुछ काम कराना होगा तो आपके थ्रू ही कराऊंगा. दैट्स अ रियली अ गुड वन. अच्छा जहां तक पिक्चर की जो बजट का सवाल है, यस इट्स अ डिसेंट बजट फिल्म, अच्छी पिक्चर है. हमने जो पिक्चर को एक देना होता है वो दिया है सब. बट मेरे ख्याल से कंपेयर टू हिज अदर फिल्म्स एक्शन, बिकॉज इसमें ये इतनी बड़ी एक्शन फिल्म नहीं है तो वो कॉस्ट कम हो जाती है. एक्शन में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तो इट्स अ रीजनेबल और लिमिट में है पिक्चर. यस एब्सोल्युटली, शी वॉज अ डिलाइट टू वर्क विथ. जो मैंने फीडबैक मिला है मुझे प्रेस से एंड वेरियस फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स दैट आर केमिस्ट्री इज लुकिंग वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट बिकॉज वी वर्क रियली हार्ड. एंड आई वुड लाइक टू से दैट कि प्रभु सर इज लाइक अ मेजर फैक्टर इन दैट. और मुझे बहुत ही मजा आया, हमने कुछ 100 दिन शूट किए साथ में और टाइम जस्ट फ्लो वंडरफुल. हाय जैकलीन, द नंबर लुक्स amazing. Congratulations to you and also to Girish. Jacqueline, it's like you were saying, it's difficult gyrating and matching up steps to Prabhu Deva, right? I mean, you've always done very seductive and very modern numbers. So was it difficult when you were actually in his presence of him matching those very earthy and very fast steps, as we see in the video? Well, actually, I think I started rehearsing about a week before the song. And I was with his assistants and, you know, I was lining up the song and the steps and the choreography.
And we finally get to Chandigarh, and Prabhu sir, a day before the shoot, says, okay, you know, I want to see what she's learned and, you know, brush her up on anything, if, you know, if anything. And so I did the whole kind of choreography for him, and then he looked at me and went, it's very robotic. So I was like, robotic? Okay. And he was like, there's no heart. So I was like, my heart just sank. I was like, oh my God, what do I do? It's a day before the shoot. And no, I was like freaking out. But the thing was, I was finding the choreography very hard. And I was finding it very difficult to match up to all the steps and, you know, to kind of, you know, work with this choreography. But the minute he actually told me that, it just made my life easier. Like, so him and Vishnuji as well, they said, okay, just watch us. And they literally danced the whole song, Jadu Ki Jappi, for me in their style, and you know, with so much soul and passion. It was amazing. Like, I got goosebumps. And after that, like, literally for the entire, you know, shoot, for the 3 days, I think we shot for about 3 days, you know, it was just fun. I started listening to the actual song. I actually started listening, you know, listening to the words, listening to the lyrics, really, you know, singing it. And everything just became so much more natural. And he even told me, he was like, I don't want perfection. He was like, this is not about being perfect. He's like, I just want a lot of heart and a lot of soul, and that's how we dance, you know, and that's what I want to see in you. So it actually made my life easier.